कैसे ये मंजर नजर आ रहे हैं, कैसे ये मंजर नजर आ रहे हैं, सभी के हाथ में खंजर नजर आ रहे हैं। Oh, no! कैसे ये मंजर नजर आ रहे हैं, सभी के हाथ में खंजर नजर आ रहे हैं, और जिनके मकान है शीशे के उन्हीं के हाथ में पत्थर नजर आ रहे हैं। परम आदरणीय महाप्रबंधक संजय गुप्ता सर, प्रधानाध्यापिका शीतल मैम, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मधुकर सर, एकेडमिक सामान्य वर्ग कार्तिक सर, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, स्वागत है आप सबका। मैं सतीश राज वर्ग नवम का छात्र हूं और आज मैं इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कि मोहब्बत एक एहसास हो कि पावन सी कहानी है, कि मोहब्बत एक एहसास हो कि पावन सी कहानी है। कभी कभी रात दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मोहब्बत एक एहसास हो कि पावन सी कहानी है। कभी कभी रात दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। क्या कभी आपने कोई कुत्ते को बीमार होते हुए देखा है? अभी हेलो, अरे भैया भैया लोग रुको जरा, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी देखो पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। बात उस समय की है, बात कब की है, उस समय की है जब मैं इस विद्यालय से पिछले विद्यालय में पढ़ता था। वहाँ पर एक मेरा दोस्त हुआ करता था, मैम थी, मैम पढ़ा रही थी सामाजिक विज्ञान, और वो पढ़ा रही थी दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में क्या है भैया? और वो मेरा दोस्त था, पीछे वाले बेंच पे सोया हुआ था। हमको तो भैया SST पढ़ने में इंटरेस्ट आता था। अब क्या हुआ, मैम देखी उसको, बोली ए, तुम क्यों सो रहे हो, ये बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया। वो ऐसे आँख पोछते उठा, बोला ए भाई, ए भाई, ए भाई, मैम क्या पढ़ाई है। तो मैं बोला मैम तो यही पढ़े हैं दिल्ली। तो बोला मैम हम बता रहे हैं। बोला कि मैम आप यही तो पढ़ा रही हैं कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। उसके बाद मैम बोली ये बताओ, तुम पढ़ने वक्त सोते हो और सोने वक्त क्या करते हो। तो वो बोला कि मैम आप दिल्ली में कुतुब मीनार बोलिए चाहे दिल्ली में कुत्ता बीमार बोलिए, दोनों तो एक ही है। कि कहीं खाली पड़े आलिंद तेरी याद आती है, सुबह के ख्वाब के आलिंद तेरी याद आती है। हेलो ये हाँ ये सुनकर तो नहीं आती मगर हमसे। अगर आप दूसरे राज्य में खड़ा है तो समझिए आपके साथ आपका पूरा राज्य खड़ा है। वैसे ही हमारे सीमा पर हमारे भारत के सैनिक खड़ा है, समझिए उनके साथ हमारा पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। एक बार आप अपने दिल से बोल दीजिए भारत माता की। हेलो ये हाँ ये सुनकर तो नहीं आती मगर हमसे। कि कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है, कि कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। अच्छा हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास में एक राजा था, उसका क्या नाम था, अकबर, और उसका एक बहुत प्रिय दोस्त था, उसका नाम था बीरबल। अब एक बार क्या हुआ था, अकबर और बीरबल अपने राज दरबार में थे और अकबर बोला कि बीरबल भाई हम एक
सपना देखे हैं। बीरबल बोले कि क्या सपना है। अकबर बोले कि हम दोनों एक रास्ते से जा रहे थे, हम लोग दोनों एक रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते में एक पुल था, उस पुल के एक तरफ खीर था, एक तरफ गोबर था। ठीक, तो वो बोले कि अकबर बोले कि मैं खीर में गिर गया, और बीरबल बोले कि मैं गोबर में अकबर बोले कि मैं खीर में गिर गया, और बीरबल को बोले कि तुम गोबर में गिर गए। ओह नो। अब वहाँ से कहकर अकबर चुप हो गए। अब बीरबल बोले कि महाराज ये बात है, मैं भी एक सपना देखा हूँ। अकबर बोले बताओ क्या सपना है। बोले अकबर, बीरबल बोले अब उसके बाद कि महाराज ये बात सच है कि आप खीर में गिरे, मैं गोबर में गिर गया, लेकिन उसके बाद आप हमको चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। अच्छा, इस स्कूल के लिए थोड़ा सा दो लाइन सुन लीजिएगा। बिहार से हम हुए हैं फरारे अब, ठीक है। बिहार से हम हुए हैं फरारे अब, कोटा में आके रह जाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, गुरुकुल में पढ़ने रोज आएंगे। ठीक है, दाल रोटी खाएंगे, गुरुकुल में पढ़ने रोज आएंगे। ठीक है।